हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत। मेरे साथ इस समय है 29 साल के दीपक, जो मेरे पास आए हैं बहुत दूर से और YouTube के माध्यम से बहुत सारे वीडियोस देखे हैं इन्होंने, और ये आए हैं आज एक सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए। इन्होंने दांतों में रूट कैनाल कराया था 2018 में, काफ़ी टाइम से पेन था उनको, तो आज हम इनका एक्सट्रैक्शंस कर रहे हैं। काफ़ी इन्फेक्शन है और एक्सट्रैक्शन के बाद 2 महीने के बाद इम्प्लांट प्लेस करने वाले हैं। और यस दीपक, सबसे पहले तो ये बताओ कि मेरे बारे में यूट्यूब से पता लगा, यूट्यूब से तो यूट्यूब में वीडियोस देख के एकदम से क्लिनिक पर कैसे विजिट कर लिए वो बताना पड़ेगा। सर, वो मैंने वीडियो देखी, उसमें एक लड़का था आजमगढ़ से आया था, वो बता रहा था कि मेरी भी यहाँ पे इम्प्लांट लगाया था उन्होंने, 3-4 इम्प्लांट लगाए थे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई और ना मैंने दवाई खाई। जो दवाई खाते ना वो आ जाती है, थोड़ी आ जाती मेडिसिन ली थी, हाँ मेडिसिन ली गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हो गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा और मैं 4-5 दिन में खाने लग गया। हाँ सर, उससे मैं थोड़ा एक्सपायर हुआ, देख के मेरे को अच्छी लगी वीडियो, मैं इन डॉक्टर से एक बार मिलना चाहिए, जाना चाहिए, दिखाना चाहिए। तो अब तुम ट्रीटमेंट भी करा रहे हो? हाँ, ट्रीटमेंट भी करा, तो मिला भी हो ट्रीटमेंट में, तो एकदम से ट्रीटमेंट कराने कैसे आप डिसाइड करते हैं कि यार मुझे ट्रीटमेंट कराना ही है इन डॉक्टर से? बिकॉज यू डोंट नो मी, आप मेरे को जानते नहीं है, नहीं जानते, किसी के थ्रू भी नहीं आए, किसी के थ्रू भी, सिर्फ वीडियोस देख के। हाउ डू यू मेक योर स्टेट की यार मेरे को वो जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है ना, वो डिसाइड कैसे करते हैं कि यार वो डिसीजन मेकिंग कैसे है? सर, वो मेरे को देख के लगा इस डॉक्टर हाई क्वालिटी के डॉक्टर हैं थोड़े, ये ऐसे नहीं है जो कॉलोनी में होते हैं कि कुछ भी कर दिया, कैप लगा दिया, ब्रिज लगा दिया, तो उससे काफ़ी दिक्कत आ जाती है आने वाले समय में। वीडियो देख के, आपको देख के लगा हाँ भाई कुछ तो बात होगी, इतने दूर दूर से बंदे आ रहे हैं आजमगढ़ से, कोई कहीं से कुछ तो बात होगी, इसलिए मैं यहाँ, महंगा एक बार जाना चाहिए। और दांतों का भी स्कैन दिखाया है मैंने, इन्फेक्शन दिखाया है। हाँ सर, तो तैयार है बिल्कुल, 2 महीने के बाद इम्प्लांट्स करेंगे आपका। हाँ सर, सबसे बड़ी बात तो सर, इसमें आप कह रहे हो इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना चीरा फाड़े ना खून होने, ऐसे ही हो जाएगा लेंस के द्वारा। ये अच्छा, तो एक पावरफुल मीडियम है सोशल नेटवर्किंग, जहाँ पे वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, दीपक जैसे पेशेंट्स को मोटिवेट करना, अवेयर करना ट्रीटमेंट कैसे होता है, ट्रीटमेंट के दौरान क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, पेशेंट को बताना एक ऐसा मीडियम। मैंने हमेशा बोला है हमारे पास सबसे बड़ा टूल क्या है, कम्युनिकेशन। अपने केसेस को डॉक्यूमेंट करो और पेशेंट को बताओ, रिलेट कर पाए पेशेंट। आप सोचो कि आप एक पेशेंट हैं और अगर आपको अपने मम्मी पापा का ट्रीटमेंट करना है तो आप कैसा करेंगे, तो ऐसे ही सर्विसेज आपको अपने पेशेंट को देनी है, चाहे केस स्टार्ट करने से पहले हो या कोई भी सर्जरी स्टार्ट करने से पहले हो। तो इसीलिए सबसे, और उसके बाद ये भी बोलूँगा कि आपका बहुत बहुत प्यार, बहुत पूरे हिंदुस्तान ने बहुत प्यार दिया, हर जगह से पेशेंट आए हैं, और हमारा सिर्फ, मैंने दोबारा से बोलूँगा कि वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है भाई, सिर्फ और सिर्फ डेंटिस्ट्री को सिंप्लीफाइड बनाना। यूपी, एमपी, बैंगलोर, चेन्नई, मैसूर, छोटे छोटे जो जगह से पेशेंट आ रहे हैं ना, और वो जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं, आई थिंक वो एक करिश्मा है। और सिर्फ यही बोलूँगा कि एजुकेट करना, हमें हमारी डेंटिस्ट्री को भी ट्रांसफॉर्म किया, हम खुद भी अपडेट होते रहते हैं और पेशेंट का बहुत प्यार मिला है, और आगे भी यही कोशिश करूँगा कि आपको ऐसे ही मोटिवेट करूँ और आप ऐसे ही प्यार देते रहिए। तो दीपक भाई, उन पेशेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं सामने? सर, मैं ये कहना चाहूँगा जो भी इस वीडियो को देखे, वो दोबारा यहाँ पे, वो जिसके भी कोई दिक्कत हो यहाँ पे आने की कोशिश पूरी करें। सेकेंड ओपिनियन के लिए भी आ सकते हैं, सिर्फ कंसल्टेशन लेने के भी आ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप दांतों के किसी भी बीमारी से अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप सिर्फ और सिर्फ राय ले सकते हैं। पेन का इंतज़ार, दर्द को इंतज़ार मत करो, इम्प्लांट एक लास्ट ऑप्शन है। आपका दांत बच जाए, हमें उससे खुशी किसी चीज़ में नहीं होगी। कोशिश यही करो कि सिर्फ और सिर्फ एक कंसल्टेशन के लिए आप आ सकते हैं। कोई भी अगर आपको लगता है दांतों में किसी तरह से कोई बीमारी है, आप उसको सिर्फ पूछने के लिए कंसल्टेशन ले सकते हैं, बिफोर इट गेट्स लेट। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही प्यार देते रहिए, हम ऐसे ही आपको मोटिवेट करते रहेंगे और प्यार लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।